हाय दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी मैंने जो आपको सब्जी दिखाया, आज मैं पाव भाजी बनाने वाला हूँ। दोस्तों देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूँ। मैं सब भाजी काट के रखा, आपको दिखाया मैं भाजी का फोटो। मैं बीम लिया और शिमला मिर्च, फूलगोभी, आलू और टमाटर, मैं पांच भाजी लिया हूँ दोस्तों। पांचों भाजी देके मैं पाव भाजी बना रहा हूँ। देखिए मैं सब काट के धो लिया हूँ। अभी मैं कढ़ाई में पानी डाल के वो सब भाजी सबको अच्छे से उबाल लेंगे दोस्तों। उबाल के फिर मैं सबको अच्छे से तोड़ के फिर मैं इसका सब्जी बना पाव भाजी बना के आपको दिखाने वाला, भाजी बनाने वाला हूँ। जो पाव भाजी का होता है भाजी, वो बनाने वाला हूँ। तो मैं कढ़ाई में सब उबाल लिया हूँ, उबाल रहा हूँ। और कुकर में भी कोई उबालता है, मैंने कुकर में नहीं, मैं कढ़ाई में सब सब्जी उब्जी करके थोड़ा हल्का नमक देंगे कि ये जो पानी बचेगा वो फेंकने वाला नहीं हूँ, कि वो पाव भाजी में पानी सब एक साथ ही सूरा पूरा एकदम उसको तोड़ फोड़ के भाजी को फिर मतलब ढालेंगे पाव भाजी में। देखिए ये मेरा पूरा सब्जी उबल चुका है दोस्तों। अब इसको निकाल के इसको तोड़ लेंगे। वो आपको नहीं दिखाया तोड़ने वाला सीन, वो गिलास देके दबा दबा के सब आलू फूलगोभी सबको एकदम अच्छा से एकदम मतलब ये बना पूरा तोड़ लेने का भाजी। अरे कढ़ाई में तेल दिया हूँ मैं, और इसमें तेज पत्ता और जीरा का छोंक देंगे दोस्तों। और मैं प्याज टमाटर ये सब काट के रखा हूँ, वो सब भी देने वाला हूँ। इसमें अभी थोड़ा लहसुन जो मैं ऐसे पीसा नहीं हूँ, तो कूट के रखा हूँ, लहसुन को छील के वो लहसुन भी डालने वाला हूँ इसमें। देख लीजिए थोड़ा लहसुन है, अब डालिए, अलग सा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है पाव भाजी में। अभी प्याज दे दिया हूँ, प्याज टमाटर को अच्छे से सब मसाला वसाला जो भी होता है, हल्दी नमक धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर पाव भाजी मसाला ये सब जरूरी होता है। आधा लहसुन का पेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आधा नहीं दिया हूँ उसमें, मैं लहसुन इसलिए कूट के डाला हूँ, उसका अलग से टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, आप भी करके देखिएगा। ये मैं चार टमाटर लिया था काट के, वो भी ले लिया हूँ। ये दोनों को अच्छे से पकाएंगे, क्यों टमाटर गलना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए मैं भाजी सबको अच्छे से तोड़ के रखो बड़ा थाली में, वो सब इसमें ट्रांसफ़र करेंगे दोस्तों। इसमें भी सब मसाला डालेंगे, डाल के उसको 5-10 मिनट अच्छे से पकाएंगे टमाटर को। और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों आप मेरा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिएगा, अच्छा लगा तो करिएगा। ऐसे भी मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर ये सब है ही नहीं है, मेरा व्यूअर्स मतलब व्यूअर्स कम से कम एक चैनल पे कम से कम 4-5 ही आते हैं, आप देखिएगा चैनल पे। और जो भी व्यूअर्स मेरा आया हुआ है थोड़ा बोरा जो भी है, वो सब शॉर्ट का वजह से है, बाकी चैनल चल ही नहीं रहा अभी तक, चैनल वायरल एक भी नहीं हुआ, 1,500 से ऊपर कोई भी चैनल नहीं देखा दोस्तों। सब चैनल में मेरा 15 आदमी ही देखा होगा, व्यूअर्स 15 ही है। देखिए मैं सब मसाला डाल रहा हूँ, इसलिए आप लोग देखिएगा, नहीं नया होएगा तो आप सब्सक्राइबर कर दिया करिए, और किया है जो वो थैंक यू। देखिए मसाला दिया हूँ, अपना मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें मैं मसाला आपको बताया नहीं, मैं बात कर रहा था दूसरा, तो इसमें मसाला कुछ खास नहीं, रस ये हल्दी नमक धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर, बस इतने ही मसाला है, चारा मसाला। और पाव भाजी मसाला मैं बाद में डालेंगे सब्जी डालने के बाद। अभी थोड़ा पानी डाला है, सब्जी गल जाएगा, ये टमाटर टमाटर को गलना ज़रूरी है, पाव भाजी में टमाटर तो चाहिए। देखिए मेरा टमाटर गल चुका है पूरा, उसको थोड़ा पानी इसलिए दिया था मैंने कि मसाला जलना नहीं चाहिए दोस्तों। देखो पूरा टमाटर मेरा एकदम ये हो गया, गल गया। अभी सब मसाला जो मैं भाजी सब रखा हूँ उस सब डालेंगे इसमें। अब बनाइएगा, खा के मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे बना पाओ जी। ऐसा नहीं है मेरे से भी अच्छा अच्छा बनाने वाला लोग है, फिर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप बनाइएगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है, कोई कोई इसमें कलर भी यूज करता है। मैं कलर उलर कुछ नहीं दिया दोस्तों, जो दिया आपका सामने ही है, पूरा वीडियो बनाया मैंने, सिर्फ भाजी तोड़ने का वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, बाकी सारा वीडियो बनाया मैंने।
अब इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे दोस्तों। पाव भाजी मसाला तो बहुत ज़रूरी होता है पाव भाजी में, देगा नहीं तो आपको पाव भाजी वाला टेस्ट नहीं आएगा, वो मसाला चाहिए ही। पाव भाजी का वीडियो पहला है मेरा दोस्तों, पहले एक भी नहीं डाला हूँ, पहला वीडियो डाला हूँ। और भी बहुत सारा वीडियो है, नॉन वेज का वीडियो मेरा बहुत चैनल में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, चिकन का रेसिपी सबसे ज़्यादा है। और अभी नया नया मैंने खीर भी बनाया, आप देखिएगा मेरा चैनल पे जाकर मेरा वीडियो, सब बहुत अच्छा अच्छा वीडियो सब है। आपको कुछ और अलग से आपको बना के दिखाना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं कोशिश करेगा आपको जल्द से जल्द बना के दिखाने। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मेरा पाव भाजी, पूरा भाजी सबको मैंने एकदम गिलास ले लेके तोड़ तोड़ के दिया। अभी वो थाली में थोड़ा सा भाजी वाजी लगा है, उसको थोड़ा पानी से धो के और थोड़ा देंगे कि इसको कम से कम और 5 मिनट 10 मिनट एकदम कम आँच में पकाएंगे इसको। देखिए आप लोग गलत मत समझिएगा, जो मेरा लड़का शूट कर रहा था बोला मम्मी ये सब मत दिखा, लेकिन वो भाजी में उसमें भाजी रखा था तो कोई अलग थाली नहीं है, भाजी में कई थाली है, उसको धुलाई करके थोड़ा पानी डाल दिया हूँ। देखिए देखिए पूरा अच्छा से बन के तैयार है, मैं वो पूरा अच्छे से डालने के बाद मैं 5 मिनट और पकाया अच्छे से। देखिए मैं धनिया पत्ता डाल दिया है, अभी मेरा पाव भाजी बन के रेडी है। अभी पाव छेकिए और खाइए, बहुत अच्छा लगता है पाव भाजी। आप लोग खाए हैं, सब खाए हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जैसा बनाया आप लोग भी बनाए, इससे अच्छे ही बनाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रेडी हो गया मेरा पाव भाजी, अभी मैं आप उस तरफ मैं पाव छेक रहा हूँ, आप लोग भी बनाइए खाइए, आपका बच्चा को भी खिलाइए। देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट करके। देखिए ब्रेड भी पाव भी छेक लिया हूँ मैंने, आपको बटर में सेकना है किस में सेकना चाहिए। चलिए दोस्तों भाई सब्सक्राइबर कर दीजिएगा प्लीज़।